नमस्कार दोस्तों, मैं बबलू पांडे आप लोगों के सामने कुछ अनसुनी बच्चों की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो कि बच्चे कॉलेज और स्कूलों से प्रस्थान करके अपने गांव के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों को अपने भविष्य को लेकर इतना चिंता है कि कोरोना के डर से अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं। आज अगर कॉलेज और स्कूल खुला रहता तो ये बच्चे कुछ अलग करते, पढ़ के कुछ अपने भविष्य में कुछ अलग कर पाते, लेकिन सरकार के ऑर्डर के अनुसार, नोटिस के अनुसार ये बच्चे सभी अपने घर जा रहे हैं। तो आइए हम उन बच्चों से अपने उन बच्चों की दर्द भरी कहानी को सुना रहे हैं, उनके खुद जबानी। तो हमारे सामने कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो कि अभी कॉलेज से ही आ रहे हैं, बिना टिकट के आ रहे हैं। इन बच्चों के पास इतना भी पैसा नहीं था, एक पाई के इतने इमरजेंसी में इन लोगों को कॉलेज से बाहर किया गया कि बच्चे के पास एक भी पैसा नहीं है, बिना टिकट के सभी बच्चे घर से के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बच्चे अपनी अनसुनी कहानी बताएंगे और अपनी दर्द भरी कहानी बता रहे हैं। तो बताइए आपका, हेलो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिराम पंडित है और मैं CMRA गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का छात्र हूँ और मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ जी। तो आपको क्या ऐसी परेशानी हो गई जो आप कॉलेज को छोड़ के आप घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं? क्या आपको अपने भविष्य की चिंता भी है या क्यों, आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ में करना? देखिए, वो तो सही है कि भविष्य की चिंता है, मगर COVID-19 के वजह से सारे देश में जो COVID-19 का जो बढ़ रहा है प्रकोप जो है, वो काफ़ी बेहद दयनीय है और काफ़ी बुरा स्थिति है, जिसके वजह से काफ़ी देख रहे हैं आप कि काफ़ी व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। तो सरकार के आदेशानुसार हम लोग जितने भी इंजीनियरिंग के छात्र हैं, सारे लोग जा रहे हैं घर, और यही मूल कारण है कि COVID-19 के ही वजह से जा रहे हैं। तो जैसे कि दोस्त हम देख रहे हैं बच्चे की फेस की एक्सप्रेशन देख कर हम बता सकते हैं कि बच्चे के आखिर दिल में क्या है, बच्चे अंदर से कितना रो रहे हैं, अपने परेशानियों को कैसे सुना रहे हैं। मैं कैमरा मैन से बोलना चाहता हूँ कि वो फ्रंट पर आके सभी बच्चों का कैमरा में फिगर लें। आप यहाँ पर बैठ जाइए, हेलो, आप यहाँ पर बैठ जाइए, वहीं पर आप बैठिए। तो अब दूसरे बच्चे से हम सुन रहे हैं, हमारे पास एक अंकल जी है, वो भी अपने बारे में कुछ बताएंगे, आखिर हम लोग भविष्य में कैसे अब पढ़ाई करें, क्या करें कि हम कुछ आगे कर सकें। वैसे तो आज तक इस महामारी को हम लोग अपने लाइफ में कभी देखे नहीं थे, ऐसी बड़ी महामारी जो कि, और अभी आप अंकल जी से कुछ हम बात करके उनसे कुछ जानकारी साझा करते हैं आप लोग के बीच। तो अंकल जी, आप क्या करना चाहते हैं? तो दोस्तों, अंकल जी को अभी बात करने की इच्छा नहीं है, तो हम किसी पर प्रेशर नहीं देना चाहते कि आप इस टॉपिक पे बात कीजिए। और एक लड़का और है जो कि आप अपनी परेशानी को साझा करेगा हम लोग के बीच, तो आप वहीं बैठ के वीडियो बनाइए, तो बात करते हैं जी। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या क्यों आखिर अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं? मैं उदय फ्रॉम छपरा। मैं तो आपको पता ही है, COVID-19 के चलते मैं घर को प्रस्थान कर रहा हूँ। बहुत दिक्कत हुई रास्ते में, खाने पीने पैसा की, इसमें हमारे मनोहरलाल खट्टर कुछ भी नहीं कर पाए, सबसे लेट छुट्टी की है, टिकट भी नहीं मिला, ट्रेन में हम लोग ज़बरदस्ती बैठे हैं पुलिस से लड़ के, और आगे मेरे राहुल भैया कुछ बोलेंगे। तो दोस्तों, ये भी उदय कुमार पाल जो कि छपरा के निवासी है और ये कॉलेज से अपने घर के लिए जा रहे हैं, और सामने एक और स्टूडेंट है जो कि COVID-19 से बहुत पीड़ित है, इनको लग रहा है कि हमें अभी COVID-19 हमारे बॉडी में फैल चुकी है, तो इनसे भी बात करके कुछ जानकारी ले सकते हैं हम। तो क्या आप बता सकते हैं आप कहाँ से? जी, अभी इनको गुस्सा आ रहा है, हमारे इंटरव्यू देने में ये सक्षम नहीं है। तो दोस्तों, इन लोगों का अभी मजाक सूझ रहा है, क्योंकि ये COVID-19 ऐसा एक वायरस है जो शरीर को अंदर से खोखला करते जा रहा है, बट इन लोगों को जानकारी नहीं है कि हमारे बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्त, हमारे साथ बहुत ही एक बुजुर्ग अंकल हैं, हम उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि अंकल जी, आप क्या बता सकते हैं इस COVID-19 के बारे में और इस महामारी से हम लोग कब तक निपटेंगे? तो दोस्तों, आप यहीं पे बैठे रहिए, कुछ अंकल जी से हम जानकारी लेते हैं। अंकल जी, आप क्या करना चाहते हैं कि इस COVID-19 हम लोग के तो भविष्य में, इससे पहले हम लोग देखे नहीं थे कि COVID-19 कैसे आ रहा था। आप अभी तो ये एक महामारी है, इससे आप जहां भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार की भी सुरक्षा करें जी। तो अंकल जी का यही कहना है कि आप सुरक्षित रहें और अपने परिवारों को सुरक्षित रखें। तो अंकल जी, क्या आप ये बता सकते हैं कि इससे पहले इतनी भयानक महामारी आई थी, हम लोग तो बहुत कम उम्र है अभी। आप हर सदिया में कोई ना कोई महामारी आती है किसी न किसी रूप में। 19वीं सदी या 18वीं सदी आप इतिहास उठा के पढ़ो तो हर सदी के स्टार्टिंग में आया हुआ, तो इससे इस समय 21वीं सदी चल रही है, तो इस सदी में भी एक तरह से महामारी है जिसका रूप आपको देखने को मिल रहा है। ये आज कोविड के रूप में है, लेकिन आप इतिहास उठा के देखो तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है। तो हम लोग 18वीं सदी में देखे थे कि प्लेग नामक एक रोग आया था, जो कि जिससे कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही प्रवासियों की मौत हो गई थी, बहुत जानवरों की मौत हो गई थी, और कुछ सदी के बाद ये COVID-19 आया जो कि पूरे देश को
पूरे देश की स्थिति को हड़कंप मचा दिया है। तो दोस्तों अब हम कुछ आगे ले चलते हैं, कुछ और हमारे साथ दोस्त हैं उनसे बात कराते हैं और कोविड-19 के बारे में वो अपना जानकारी साझा देंगे। तो दोस्तों एक लड़का मेरे सामने और है, वो अपने जानकारी देगा कि आखिर वो कहाँ से आ रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं कोविड-19 के बारे में, कुछ कहना चाहते हैं? बहुत दुखद समाचार है कोविड-19, दर्द हम क्या बताएं अपना। देखिए ये बच्चा हाँ। तो दोस्तों आपसे बता दें कि ये बच्चे चाह रहे हैं, चाह के भी अपने हंसी का इजहार नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कुछ हमारे दोस्त लोग और मेरे अंकल जी भी बैठे हुए जो कि कोविड-19 के कारण शहरों से अपने देहात में अपने गांव अपने परिवार के साथ जा रहे हैं मिलने के लिए। तो इन लोगों से कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं, आप लोग को दिखाएंगे अपनी दुख भारी कहानी कैसे आप लोग को बीच बता रहे हैं। तो अंकल जी आप क्या बता सकते हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं और कोविड-19 से लड़ने के लिए हमको क्या क्या सावधानियाँ बरकत करनी चाहिए? मास्क लगाना जरूरी है, मास्क लगाइए जी। अंकल जी और आप कहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं अंकल जी, क्या बता सकते हैं? हम गोरखपुर से जाएंगे दरभंगा जी। तो अभी अंकल जी बोल रहे हैं कि अपनी सावधानी सुरक्षित स्वयं अपने आप को सेफ्टी रखें और आगे ले चलते हैं। कुछ लेडीज हम लोग के सामने बैठी हुई हैं। तो सिस्टर जी आप बता सकते हैं आप कहाँ से आ रही हैं? प्लीज़ सिस्टर जी बता सकती हैं आप कहाँ से आ रही हैं? दिल्ली से। दिल्ली से, क्या आप किस चीज़ की परेशानी से आप अपने घर के लिए प्रस्थान कर रही है, क्या दिक्कत आ गई है जो आप दिल्ली ऐसे अच्छे शहर को छोड़ के अपने गांव में आ रही हैं? ईद आ रही है इसलिए जा रहे हैं। कोविड-19 के कारण आप भी लग रहा है कि, देखिए हमारे सामने एक बहन जी बैठी हुई है जो कि लग रहा है इनको कोविड-19 के कारण ये अपने दिल्ली ऐसे अच्छे शहर को छोड़ के अपने गाँव के लिए प्रस्थान कर रही है। सबको अपने फैमिली से प्रेम है और अपना जान कोई भी गंवाना नहीं चाहता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप प्लीज़ हल्ला ना करें प्लीज। और कुछ यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए जो कि अपने दुख भरी कहानी को सुनाएंगे। ये भी बच्चे वैसे बच्चे हैं जो कॉलेज को छोड़ कर अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो दोस्त क्या आप बता सकते हैं कि क्या ऐसी दिक्कत आ गई जो अपने कॉलेज को छोड़कर अपने घर जा रहे हैं, क्या इसके बारे में कुछ बता सकते हैं और आपके भविष्य को लेकर आपको क्या चिंता है? सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि ये जो कोरोना के चलते हमारा जो कॉलेज बंद हुआ इसी के चलते हम लोग को जाना पड़ रहा है और इससे हमारे पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि और थोड़ा आप डिस्टेंस बना कर रहिए और आप सभी लोगों को अपने आप में डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, अपने सभी लोगों को मास्क लगा कर रहना चाहिए। और कुछ और स्टूडेंट है जो अपने जानकारी साझा करेंगे। ये बच्चे ऐसे अंदर से रो रहे हैं लेकिन फेस पे भले स्माइल दिख रहा है बट ये बच्चे अंदर से बहुत हर्टिंग हो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। तो दोस्त एक बच्चा हमारे पास बैठा हुआ है, हम जानते हैं इसके पास जानकारी हमसे मिली थी कि इसके पास पैसा भी नहीं था, खाने के लिए भी पैसा नहीं था। ऑटोमेटिक एक बाइक ऐसे नोटिस आया कि कॉलेज से सभी बोरिया भी निकाल कर बच्चों का फेंका गया बट ये बच्चे अपने परेशानी को सुना नहीं सकते कि क्या इनको साथ क्या क्या हुआ है। और ऐसा हम लोग एक मुहिम निकाले हैं कि अगर जिस बच्चे के पास पैसा नहीं रहेगा हम लोग उसको पैसा भी देंगे और खाने के लिए कुछ भोजन का भी व्यवस्था कराया गया है। तो क्या आप बता सकते हैं आपको क्या दिक्कत हो गई, कॉलेज से आपको कैसे एक बाइक नोटिस आया और आप क्यों कॉलेज से कैसे बाहर है, अपने सभी दुख भरी कहानी बता सकते हैं। हमारे सामने पूरी दुनिया आपको देख रही है इस चैनल पर। कोरोना के चलते हम लोग जैसे रात में नोटिस आया 11 बजे कि कॉलेज आपका बंद हो रहा है कोरोना के चलते, पूरी दुनिया कोरोना से बहुत ज़्यादा हैरान है जिसके चलते कोरोना के चलते कॉलेज बंद कर दिया गया। प्रिंसिपल सुबह हमें बोला कि आप लोग का कॉलेज बंद किया जा रहा है कि आप लोग अपने अपने घर जाइए जी। दोस्तों तो ये सभी बच्चे अपने दुख भरी कहानी सुना दे रहे हैं। अब आपको लोगों को कुछ और हमारे सामने बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो कि वो भी अपनी जानकारी साझा करेंगे। और हमारे सामने एक अंकल और आंटी बैठे हुए हैं जो कि लग रहा है ये भी कोविड-19 के कारण अपने घर से मतलब अच्छे शहरों से अपने गांव के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। क्या आप कैमरा इधर कर सकते हैं? अंकल जी आपको क्या ऐसी परेशानी हो गई कि आप मतलब टूर कर रहे हैं, क्या आप अपने बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं और आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? हमको जाना है कोलकाता, हम वहाँ सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं वहाँ पे ना जी। तो कल जाना हमको वहाँ ज़रूरी है। तो अंकल जी आप कोलकाता में उद्योग का कार्य करते हैं पर आपको कैसी परेशानी आ गई जो आप घर के लिए रवाना हो रहे हैं खासकर कोविड-19 के समय? अरे हमको वहाँ क्या नाम है जाना घर पे जरूर था, कुछ इमरजेंसी था इसलिए गए थे जी। तो क्या आपके साथ है? आंटी भी आप ही के साथ है तो हम आंटी जी से कुछ जानकारी ले सकते हैं?
तो हमारे साथ कुछ और बुजुर्ग हमारे बैठे हुए जो कि कुछ अपने बारे में जानकारी देंगे। ये हम जानते हैं कि कोविड 19 में अक्सर शहर को छोड़कर मजदूर प्रवासी अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं, और ये लोग अपने बारे में कैसे दुख भरी कहानी बताएंगे हम लोग को सुन के खुद अंदर से हम लोग को घुटन होती है कि आखिर ये परेशानी अपने परिवार के साथ ये कैसे सुनाएंगे। ये ऐसे लोग हैं जिनके लिए खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, फिर भी अपने परेशानियों को किससे सुनाए, लेकिन ये सरकार सुनने वाली नहीं है। तो क्या अंकल जी आप बता सकते हैं आप कहाँ से आ रहे हैं और आपको कैसी ऐसी परेशानी हो गई कि आप घर के लिए रवाना हो रहे हैं? घर का नहीं, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, कलकत्ता में काम करता हूँ, तो अपने काम के सिलसिले में कलकत्ता जा रहा हूँ, फिर उधर से 18 तारीख को रिटर्न हो जाऊँगा, शादी है मेरे घर। अच्छा, ले ऐसे पहले ऐसी कोई भुखमरी या कोविड 19 जैसे मतलब बीमारी आई थी आप लोग? हम लोग तो अभी बहुत बच्चे, 18-19 का उम्र हो रहा है, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आपके लाइफ में अगर कैसी संकट आई होगी तो आप इसके बारे में बताएंगे, क्या संकट ऐसी आई है? ये सब कभी नहीं आया हुआ था, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा संकट के बारे में। जी तो अंकल जी बता रहे हैं इनके समय में भी यानी कि एक दशक पहले की ये बात है, एक पहले प्लेग नामक बीमारी आई थी, तो एक दशक मतलब 100 साल पहले एक बीमारी आई थी प्लेग। हम लोग का तभी अंकल जी का उम्र 60 से 65 होता होगा, 45 साल। हमारे साथ एक और अंकल बैठे हैं जो अपने आप बारे में कुछ जानकारी देंगे। क्या आप कहाँ से और कहाँ जा रहे हैं अंकल जी, और क्या आपके साथ कुछ परेशानी है, आप लोग को इसके बारे में कुछ बताइए। यूपी, मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ, वैसे अस्थाई मेरा बंगाल का ही रहने वाला हूँ, लेकिन यूपी आते हैं घूम करके और चले जाते हैं बंगाल में, क्योंकि मेरा घर बंगाली में है, हम बंगाली हैं। लेकिन जो ये कोरोना का स्थिति अभी चल रहा है, बहुत बुरा स्थिति चल रहा है। तो दोस्तों, सभी जानकारियों को मद्दे रखते नज़र हम बताना चाहते हैं, हमारे पास हमारे कैमरामैन है आशुतोष भैया जो कि हमारी बहुत मदद कर रहे हैं इस वीडियो बनाने में। मैं चाहता हूं कि वो भी इस वीडियो में आए और अपना फेस थोड़ा दिखाएं, तो प्लीज आप अपना भी। तो दोस्तों, अब सभी जानकारियों को आप लोग को साझा रख दिया, आपके लोगों को बीच में रख दिया कैमरामैन आशुतोष के साथ बबलू पांडे एक चैनल को। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ना भी सब्सक्राइब कीजिएगा कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो इंटरेस्टिंग बनाता रहता हूँ, और ख़ास करके लोगों की दुख भरी कहानियों के लिए हमारा चैनल हमेशा स्टार्ट रहेगा। आप लोग के स्वागत में बबलू पांडे, कैमरामैन आशुतोष भरद्वाज के साथ।